हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था जो सूट्स के ऊपर, उसके मैंने दो पार्ट्स बनाए थे और वो दोनों ही पार्ट्स आप सब लोगों ने बहुत पसंद किए और उस पर मुझे ढेरों कमेंट्स आए और उनमें से कुछ कमेंट्स थे जिसमें कि मुझे बोला गया कि जो सूट के फैब्रिक्स होते हैं तो उन फैब्रिक्स से भी आप जो है सूट्स के डिज़ाइन दिखाइए कि उनको हम किन किन पैटर्न्स में बना सकते हैं और उनमें हम क्या क्या डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ सूट फैब्रिक्स से बने हुए सूट्स, कुछ ऐसे डिज़ाइंस। और ये सूट्स मेरे सारे उन्हीं क्लाइंट्स के हैं जो ऑफिस गोइंग मेरी क्लाइंट्स हैं। तो ऑफिस वेयर में आप सूट्स में क्या एलिगेंट डिज़ाइंस डाल सकते हैं, तो ऐसे ही कुछ सूट्स मैं आज आपको दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ उसको मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और दिखाती हूँ मैं आपको आज के सूट्स। तो ये है आज का मेरा फर्स्ट सूट, आइए बताती हूँ इसकी डिटेल्स। ये सूट था कुछ इस तरीके का, जिसमें इस तरह का एक प्रिंट था, इस पर नेक लाइन पर कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं थी। प्रिंटेड फैब्रिक था शर्ट के लिए और प्लेन फैब्रिक था इसके बॉटम के लिए। तो हमने इसकी नेक लाइन पे इस तरह से कुछ डिज़ाइनिंग दी, फैब्रिक का ही एक कटआउट इस तरह से प्लेस किया और उसको इस लेस के साथ फिनिशिंग दी। ये वाली लेस ऊपर से लगाई जाती है, बट हम जब फिनिशिंग देते हैं तो इसको हमने इंसर्ट किया लाइनिंग और अपर फैब्रिक के बीच में। इसी तरीके से इसको थोड़ा अंदर दबाते हुए यहाँ पे इस पैच के जॉइंट पे भी हमने इसको प्लेस किया। बीच में भी हमने एक लेस से इसको डिटेलिंग दी। अब इसके ट्राउज़र में कुर्ती को रखा हमने स्ट्रेट फिट और इसके ट्राउज़र में इस तरह से बॉटम में हमने हल्की सी एक डिज़ाइनिंग दी। यहाँ पे हमने दिया 4 to 5 inches का एक कफ, और कफ बनाने के लिए यहाँ पर हम देते हैं फैब्रिक के ही पीस को हम डबल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो डबल फोल्ड करके यहाँ पे एक कफ बना और उसको हमने डिटेलिंग दी शर्ट के फैब्रिक के बनी पोटली बटन्स के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी जो वेस्ट है वो पूरी इलास्टिकेटेड वेस्ट है, जैसे मेरी क्लाइंट्स की डिमांड होती है उस तरीके से बेल्ट को रखा जाता है। बैक हमने दिया इसका कुछ इस तरीके से, नॉर्मल गोल राउंड ना देते हुए, डीप या फिर कोई और शेप ना देते हुए इसको हमने स्लिट दिया है, जो काफ़ी एलिगेंट लुक क्रिएट करता है ऑफिस वियर कुर्तीज़ में। तो इस तरह से ये पूरी हमारी कुर्ती बनकर आई। इस तरह के सेट्स को आप पेयर कर सकते हैं कलरफुल हेवी बैंगल्स के साथ और इस तरह के हल्के झुमकियों के साथ। तो ये है मेरा आज का फर्स्ट सूट। बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है मेरे वीडियो का सेकंड सूट, आइए अब मैं आपको इसके डिटेल्स देती हूँ। ये सूट का फैब्रिक था मस्टर्ड येलो कलर में, प्लेन ही फैब्रिक इसका शर्ट का था और प्लेन ही इसका फैब्रिक बॉटम का था। ये जो आपको इसमें ग्रे कलर का एक पूरा पट्टी दिख रही है, बॉर्डर दिख रहा है, ये इसमें बस मिडल में प्लेस था इस तरीके से और इसमें कुछ भी नहीं था, और ऐसा ही बॉर्डर इसमें नीचे था इसके एंड्स पर। तो हमने नेक लाइन पे इस तरह से पाइपिंग देते हुए रेड कलर इसमें ऐड करते हुए इस बॉर्डर को इस पाइपिंग के बिल्कुल पास में प्लेस किया और बॉर्डर के अपोजिट साइड में पाइपिंग के बीच में हमने पोटली बटन से इसको डिज़ाइन किया। इसी तरह की पोटली बटन हमने इसकी स्लीव्स में डाली कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसको राउंड कर देते हुए इसके एंड्स पर भी हमने रेड पाइपन को प्लेस किया।
अब ये जितनी बड़ी जो ये बॉर्डर था ग्रे कलर का, जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही हमने यहाँ पर हमने इसकी पोटली बटन किया और इसके नीचे ये पाइपिन पूरे नीचे एंड्स तक हमने इसको प्लेस किया। अब इस जो हमने ये साइड में हमने इसको पाइपिंग दी, इसमें हमने थोड़ा सा ऊपर अराउंड 8 to 9 inches हमने यहाँ पे एक स्लिट दे दिया, तो कुर्ती का लुक आया कुछ इस तरीके से। और जब स्लिट देते हैं हम तो अंदर इतना फैब्रिक इसको फोल्ड कर देते हैं ताकि जब आप इसको पहनकर चलें तो अगर ये ऊपर वाला कपड़ा आपका हटे भी तो अंदर से फिनिशिंग लाइन इसकी दिखाई दे। और यहाँ पर भी एक बॉर्डर गिवन था, उस बॉर्डर को हमने प्लेस कर दिया इसी के ट्राउज़र के एंड्स पर। यहाँ पर बॉर्डर ना देते हुए उस बॉर्डर को हमने यूटिलाइज़ किया इसके ट्राउज़र के एंड्स पर, और जितना बॉर्डर था उतना ही हमने इसमें कट दे दिया, तो जो इसका ट्राउज़र था वो प्लेन ना होते हुए हल्का सा उसमें एक डिज़ाइन ऐड हो गया। वही इलास्टिकेटेड वेस्ट के साथ हमने इसके ट्राउज़र को रेडी किया। कुर्ते में हमने लाइनिंग नहीं दी है ये, और इसके ट्राउज़र में हमने सिंपल कॉटन लाइनिंग दी है। इस तरह की कुर्ती को अगर हम स्टाइल करते हैं हल्की झुमकियों और इस बड़े बैंगल के साथ तो इसका काफ़ी अच्छा लुक आता है। इसके बैक को हमने रखा है डीप राउंड कट, जैसे कि मेरी क्लाइंट की डिमांड थी। तो अगर आपको इस तरह का बॉर्डर गिवन है तो आप इस तरह से उसको प्लेस करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक सूट की तरफ, जिसमें इस तरह का पैटर्न नेक लाइन पर दिया रहता है। ये सूट है कुछ इस तरीके का। अब मैं आपको देती हूँ इसकी डिटेल्स। इस पैटर्न के सूट्स जिसमें नेक लाइन पर आपकी इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी गिवन होती है और पूरे सूट पर ही इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है विद एंड्स बॉर्डर, इन सूट्स में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम सिर्फ इसकी स्लीव्स में कोई कोई डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। नेक लाइन पर जो भी एम्ब्रॉयडरी गिवन होती है और जो भी पाइपिंग गिवन होती है उसको हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसकी स्लीव्स में सिर्फ 4 or 5 inches तक फ्रंट जॉइंट देते हुए उसको फिर हमने स्लिट दे दिया और एंड्स पर हमने इस पर प्लेस कर दी एक गोल्डन कलर की लेस, क्योंकि कुर्ती में थोड़ा सा गोल्डन वर्क था तो गोल्डन वर्क को पकड़ते हुए हमने इसमें गोल्डन लेस को प्लेस किया। अगर यहाँ पे ऑरेंज प्लेस करते तो ऑरेंज का इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था। जो इसमें ऑरेंजिश पीचिश कलर है एम्ब्रॉयडरी में, अगर हम वो ऐड करते तो कुर्ती निखर के नहीं आ रही थी, तो हमने यहाँ पे गोल्डन कलर की लेस को पिक किया। इस तरह की कुर्ती में आप सिर्फ स्लीव्स के साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हमने इसके ट्राउज़र को रखा एकदम सिंपल, क्योंकि कुर्ती के साथ अगर हम इसमें ट्राउज़र में कुछ और ऐड कर देते देन कुर्ती की जो एम्ब्रॉयडरी है वो निखर के नहीं आती, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। बैक की नेकलाइन हमने इसमें रखी है वी कट में और वही हमने इसमें पीचिश कलर की एक पाइपन दी है। इस टाइप के सूट्स को आप स्लीव्स के साथ थोड़ी डिज़ाइनिंग करके बनवा सकते हैं। चलते हैं वीडियो के लास्ट सूट की तरफ। ये सूट है कुछ इस तरीके से चिकनकारी वर्क में। इस सूट में ये जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है ये यहाँ से कट नहीं था, ये यहाँ पर लंबा प्लेस था पूरा। इसको मैंने मिडिल पार्ट से कट करके इसके दो पोर्शन किए और उन दो पोर्शन को इस तरह से प्लेस किया कि मिडिल पार्ट में ना रख कर इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रखा और ये राइट में लगाया, जिससे इसका जो जॉइंट है वो सेंटर में आए और ये पूरा बॉर्डर मिडिल में दिखाई दे।
थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में चेंज करते हुए कि थोड़ा सा कुछ नया लुक लगे, उसको एक पूरे बॉर्डर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और स्लीव्स और एंड्स इसका पूरा रखा प्लेन, क्योंकि ये जो मेरी क्लाइंट है इनको बहुत सिंपल सूट चाहिए था बिना किसी डिज़ाइनिंग के। तो सिर्फ मैंने इसमें बॉर्डर से हल्की सी डिज़ाइनिंग दी और ये पूरा चिकनकारी का ऐसे सूट है, इस पर काफ़ी वर्क है तो इसमें बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं थी कि हम इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करते, बट इसमें लाइनिंग की नीड थी तो हमने इस तरह से इसमें कॉटन की लाइनिंग को प्लेस किया। लाइनिंग का आप ज़रूर ध्यान दें कि कितनी सफिशेंट है कि आपका जो पीस बन के तैयार हो वो सी थ्रू ना हो। इसके साथ हमने सिंपल सलवार दी है, सलवार में कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं है, एकदम इसको सिंपल रखते हुए अगर इसको स्टाइल किया जाए इस तरह के हैवी बैंगल्स के साथ और हल्के हल्के छोटे छोटे स्टड्स के साथ, तो इसका इसी सूट का जिसमें इतना वर्क है, इतना प्यारा इसका फैब्रिक है, इसका बहुत प्यारा सा एक लुक क्रिएट होगा। तो ये थे मेरे कुछ सूट्स के डिज़ाइन जिनमें अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप इनमें से कोई भी पैटर्न, कोई भी डिज़ाइन जो है नेकलाइन पे इस तरह से बनवा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा।